Hello everyone. So today we have Mansi Shukla with us. Mansi Shukla is from Kanpur and she scored 114 marks in MSCET Law 3 years. So Mansi completed her graduation Bachelor of Science in last year. So Mansi, can you introduce yourself in very brief? Hello everyone. My name is Mansi Shukla and I am from Kanpur, UP. I completed my graduation in Bachelor of Science from CSGM University, Kanpur, and I have been preparing for multiple law entrance exams for last 8 months. Okay, so Mansi, can you please share your strategy for this particular exam and कैसे आपकी strategy रही, कितने time से आपने start करा, रोज कितना आप time दिया करती थी, आपके subjects को regarding एक-एक subject को regarding क्या strategies थी? So this can help our next year aspirants. तो अपनी strategy बनाने से पहले सबसे पहले ये check किया था या किसी भी exam के लिए जब आप appear करने जा रहे हो तो strategy बनाने से पहले मुझे लगता है कि हमें ये check करना चाहिए कि वो exam हमसे demand क्या करता है. Like मैंने पहले सबसे पहले ये देखना चाहता था कि MS set में questions किस तरह के पूछे जाते हैं और किस questions से सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं. तो मैंने ये देखा था कि इंग्लिश में दे आर आस्किंग अबाउट 50 क्वेश्चंस. तो अगर आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप इंग्लिश इंग्लिश पढ़ के नहीं जाते, उसे स्किप कर देते हो, तो आपके लिए एग्जाम क्रैक करना ऑलमोस्ट पॉसिबल हो जाता है. सो मैंने सबसे पहले एमएससीईटी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी और इंग्लिश के लिए मैंने ग्रामर से स्टार्ट किया था. और जैसा कि 2021 के एग्जाम को मैंने अपीयर 2022 के एग्जाम में मैंने अपीयर किया, इंग्लिश से ग्रामर से जितने भी क्वेश्चंस आए थे सारे मेरे पढ़े हुए थे और कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपसे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स पूछा जाएगा या जिसको आप टैकल ना कर पाओ. अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो. एंड ये एंड अदर सब्जेक्ट्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजीज, जैसे इंग्लिश यू स्टार्टेड विद राइट की, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है कि किसी भी एग्जाम या कुछ भी करने के पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, एटलीस्ट वो डिमांड क्या करता रहता है. सो इंग्लिश को लेकर तो आपकी स्ट्रेटजी काफी क्लियर थी, अदर सब्जेक्ट्स आपने कैसी डील करी? सर अदर सब्जेक्ट्स के लिए कोई भी लॉ एंट्रेंस होता है उसके लिए हमें सबसे पहले हम जाते हैं कि हम लीगल रीजनिंग, आपकी रीजनिंग एंड देन आपकी जीके एंड आपकी करंट अफेयर्स. और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे परेशान करती थी हमारी करंट अफेयर्स, तो मैं हमेशा इस चीज़ को लेके ट्रबल रहती थी कि मैं हाउ टू कवर ऑन द करंट अफेयर्स. लाइक हमें पूरे एक साल के करंट अफेयर्स करके जाने होते हैं या 8 months के भी करंट अफेयर्स अगर आप इकट्ठा पढ़ने बैठोगे तो आप कवर नहीं कर सकते हो. तो मैंने करंट अफेयर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया था, डेली करंट अफेयर्स. और स्ट्रिक्टली अगर आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो सो ट्रस्ट मी आपको स्टैटिक जीके के लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूशेंट पे जाने की जरूरत नहीं है. अगर आप स्टैटिक करंट अफेयर्स डेली फॉलो कर रहे हो और किसी अच्छी आप जगह से फॉलो कर रहे हो और आपने एक चैनल डिसाइड किया किसी भी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से और वो ब्रीफ में किसी भी करंट अफेयर को समझा रहे हैं, तो कोई भी लॉ एंट्रेंस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो आपको करंट अफेयर से हटके हो और स्टैटिक जीके में आपको प्रॉब्लम आए. अगर आप कोई भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो उसको आप वन लाइनर ना पढ़ के उसके बारे में ब्रीफ पढ़िए. अगर आप उसे ब्रीफ में पढ़ेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी स्टैटिक जीके करने में. और मुझे इस बार लॉ एंट्रेंस जिस तरीके से आया 2022 का पेपर, स्टैटिक जीके को लेके मैं सबसे ज्यादा परेशान थी कि मैं स्टैटिक जीके को कैसे टैकल करूंगी. बट जितनी भी स्टैटिक जीके थी सर सारी करंट अफेयर्स से रिलेटेड थी, वो सारे रेलिवेंट थे करंट अफेयर्स से. सो स्टैटिक जीके करने में मुझे ईजी था सर, इंग्लिश से भी ज्यादा इजीली मैंने स्टैटिक जीके को टैकल किया था. Yeah, this is very good thing कि जब आप daily basis पे current affair करते हो तो आपका static जी के जो है वो hand in hand तैयार हो ही जाता है. Yeah, and what about the other subject, legal and the reasoning वाला part? सर सबसे पहले जब हम legal को study करने बैठते हैं तो हमें अपने mind में ये चीज होनी चाहिए कि हमारा हम जिस भी exam के लिए appear करने जा रहे हैं वो किस level और क्वालिटी के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं.
कभी कभी मैंने भी ऐसी गलतियां की थी कि मैंने लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर लिया या बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने लगी। तो हमें कभी भी, अगर आपके टाइम कम है तो कभी भी हमें टाइम किसी लेंदी बुक पे नहीं खर्च करना चाहिए कि हम उसको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ रहे हैं और वो हमारे एग्जाम्स में पूछा नहीं जा रहा है। इससे ये प्रॉब्लम हो जाती थी मेरे साथ मॉक्स में कि मुझे बहुत डीप में पता होता था और क्वेश्चन बहुत ही इजी सा पूछ रहा होता था और मैं उससे भटक के बहुत डीप में चली जाती थी। सो मैंने पॉलिटी के लिए सिंघन की गाइड उठाई, उसमें से आप जितने भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एज मैनी एज यू कैन, आप 500, 1000, आप उसको डेली बेसिस पे करिए। और आपसे जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, आप उनको चेक करिए कि वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं। उसके बाद आप फिर से थ्योरी पढ़िए, और अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपसे 500 में 250 क्वेश्चंस भी ठीक से नहीं बन पा रहे हैं, तब आप किसी नंदी बुक में जाइए। अदरवाइज जितने भी MSET NCERT में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सारे ही आपके, अगर आपने अच्छे से MCQs लगाए हुए हैं अराउंड 1000 to 2000, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस एग्जाम को क्रैक करने में। या सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि सिर्फ कंसेप्ट नहीं, उससे ज्यादा जरूरी जो एक चीज है वो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में द थिंग विच इज अकर्ड दिस टाइम इज कि बहुत सारे लोगों को विद इन दैट 2 आवर्स एग्जामिनेशन का टाइम उन्हें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस फेस करने को मिले थे। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था कि आपके सेंटर पे भी ऐसा कुछ चीज हुआ था, और आपने कैसे अपने आप को उन 2 घंटों के लिए दैट 2 आवर्स के लिए रेडी किया था? आपका क्या माइंडसेट था? सबसे पहले तो एग्जाम को लेके हमें ज्यादा नर्वस नहीं होना है कि ये क्लियर होगा कि नहीं होगा। खुद को प्रेशराइज नहीं कर, अगर आप खुद पे इतना प्रेशर डाल दोगे तो पक्का से आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाने वाला है। आप उस पोटेंशियल से उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे जिस हिसाब से आपको करना चाहिए था। मेरे सेंटर पे भी हम एग्जाम स्टार्ट करने वाले थे तो एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहा था, हम बार बार पासपोर्ट डाल रहे थे, वो बार बार एरर दिखा रहा था। तो वहाँ पे टीचर्स या विजिलेटर्स का यही कहना था कि मे भी शायद एग्जाम आज कंडक्ट ना हो पाए, बट हमने थोड़ा वेट किया, हमने पासपोर्ट डाला, एग्जाम ओपन हुआ और मैंने आराम से मेरा पूरा टाइम दिया एग्जाम को। और ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई टेक्निकल एरर अगर हो रही है तो आपको टाइम कम मिलेगा, जस्ट आपको एग्जाम को पीसफुली और एकदम पीसफुल माइंड से परफॉर्म करना है, उसको आराम से अटेंड करना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि एग्जाम में अब मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा या इनकी वजह से आज मेरा एग्जाम खराब होने वाला है। तो मैंने जितना भी था कि आराम से शांति से बस माइंड में एक ये बना के बैठना है कि अभी एग्जाम हमारा होगा और हम अच्छे से एग्जाम को दे पाएंगे, और मैंने यही किया था। और एग्जाम मेरा जब ओपन हुआ तो मुझे एक के बाद एक क्वेश्चन सारे आ रहे थे, क्योंकि तो जितनी मैंने प्रिपरेशन की थी, और मुझे 50 क्वेश्चंस अटेंड करने के बाद ही लग रहा था कि एग्जाम मेरा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी। एंड आप क्या टिप्स देना चाहोगे नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, वेदर वो 23 या 24 का एग्जाम दे रहे, तो उनके लिए आपके क्या टिप्स रहेंगे? सर मेरी टिप्स यही रहेंगी कि आप स्ट्रैटेजी तो सर हर स्टूडेंट की अलग होती है। मैं आपको कभी अभी कोई स्ट्रैटेजी बता दूं, आप उसको फॉलो करो या ना करो, और ऐसा भी कुछ नहीं आप अर्ली मॉर्निंग उठकर ही प्रिपेयर करोगे तो ही आप करोगे। आप जितना पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़िए, जितना भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो उसको ध्यान से पढ़िए। और अगर आपने कुछ डिसाइड किया है कि आप इस पर्टिकुलर करंट अफेयर चैनल से फॉलो करोगे तो आप उसको डेली करिए। ये नहीं है कि आपने आज किया कल का छोड़ दिया, फिर आपने उसको परसों रखो, पे इस तरह से नहीं। अगर आप डेली करोगे तो छोटे छोटे स्टेप्स जो आप ले रहे होगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हो गई है बाकी अदर स्टूडेंट से। और मैं आई वुड सजेस्ट कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाओ, मॉक से आपको आपकी प्रिपरेशन का पता चलता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और अगर आपको किसी अच्छी कोचिंग लाइक बी एडुकेयर या बहुत सारी कोचिंग जो भी आपको सुटेबल लगता है, आप उनके गाइडेंस के अंदर जरूरी है, क्योंकि गाइडेंस बहुत ही मेन रोल प्ले करता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने में। यार बहुत ही राइटली मेंशन दिस थिंग कि एक चीज जो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स जो भी किसी कोई भी एग्जाम दे रहे हो कि मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी।
आप बस आज यस मोटिवेटेड हो सर, और आज कर लो उसके बाद में छोड़ दो, दिस इज नॉट द गुड थिंग. कंसिस्टेंसी इज द की फॉर द सक्सेस. दैट मानसी टोल्ड अस, मानसी के कहीं ना कहीं जर्नी से ही आते हैं. सो मानसी फ्रॉम द बी एडुकेयर फैमिली, वी विश यू द वेरी ऑल द बेस्ट, कि जल्दी आपकी मेरिट थैंक यू लिस्ट आने वाली है. सो द बेस्ट कॉलेज दैट यू डिजर्व वो आपको मिले. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू अस. थैंक यू मानसी.